क्या आपको भी GTA 5 में स्क्रिप्ट हुई क्रिटिकल एरर की समस्या आ रही है जब आप गेम को अपडेट करके प्ले कर रहे हो? तो कोई बात नहीं भाई, इस वाले वीडियो में आपका बिल्कुल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट एंड फाइनल तक तो जरूर से देख ही लेना। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ आपको मेरे गेम को। एंड जैसे ही मैं प्ले करता हूँ ना गाइस, तो थोड़ी देर बाद में मुझे एक पॉपअप देखने को मिलता है जो कि स्क्रिप्ट हुई क्रिटिकल एरर का। सो गाइस, इसे कैसे फिक्स करना है तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो वर्जन है वो हमारा हो चुका है चेंज। तो लेट्स चेक, यहाँ पे हमारा जो वर्जन है वो है 3179। तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा ओल्ड वर्जन के साथ में, जो कि आप राइट साइड में देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो हम ये जो चार फाइल है ना ऊपर वाले, इन सबको रिप्लेस करने वाले हैं अपने GTA 5 के मेन जो फाइल है उसके साथ में, जो अपडेट हुई ना अभी उसी के साथ में। सो यहाँ पे आपको कॉपी करना है, इधर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, रिप्लेस कर देना है सिंपली। ऑल राइट, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार GTA 5 की मेन डायरेक्टरी को। अब हमारे पास में ये दो फाइल बचती है गाइस, तो इनका क्या काम है? लेकिन हाँ गाइस, इसको चेंज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको एक बैकअप बना लेना चाहिए जो कि DLC पैक का। सो गाइस, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी एड ऑन पैड्स, एड ऑन व्हीकल्स की जितनी भी आपकी मोड है ना वो सेफ हो जाए। तो जिनको आता है बनाना तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, आगे बढ़िए। एंड जिनको नहीं आता वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है DLC पैक रखना है, एंड एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है जिसका नाम DLC लिस्ट रखना है। तो यहाँ पे मोड्स के फोल्डर में अपडेट, उसके बाद में X64 DLC पैक, और यहाँ पे जितनी भी आपकी DLC पैक की मोडिंग है इन सबको कर लेना है कॉपी। एंड यहाँ पे अपने DLC पैक में कर देना है पेस्ट जो आपने बैकअप बनाया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो चुका है। अब DLC लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, मतलब कि उसका बैकअप कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। OpenIV को ओपन करना है, विंडो पे क्लिक करना है, आपका OpenIV जो है वो ओपन होने लग जाएगा। एंड OpenIV ओपन होने के सबसे पहले आपको एडिट मोड को ऑन कर लेना है। अब आपको मोड्स के फोल्डर में आना है, उसके बाद update.rpf, फिर कॉमन, फिर डेटा, एंड नीचे जाना DLC.xml फाइल को कर देना एडिट। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलने वाली है जिसके नीचे आपकी जितनी भी DLC पैक में आपने जो मोडिंग किया उन सबकी लिस्ट होती है लिंकिंग के। सो गाइस, इस पे ये जो वाली लाइन है ना गाइस, इसके नीचे वाली जितनी भी आपकी मोडिंग वाली लिस्ट है इन सबको आपको कॉपी कर लेना है, और जो आपने DLC लिस्ट का जो आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें पेस्ट कर देना है। तो ऐसे सिंपली आपको यहाँ तक कॉपी करना है सेलेक्ट करके। एंड ऑलराइट, इसको हम क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको बैक आके यहाँ पे DLC लिस्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, सिंपली ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ करनी है, क्योंकि आपका गेम क्रैश ना हो इसलिए, तो आपको गेम कॉन्फिग फाइल को कर लेना है डाउनलोड। तो ये वाली गेम कॉन्फिग फाइल आपको लगने वाली है जिसे मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद एक सेपरेट फोल्डर मैंने इसे ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, आपको भी एक्सट्रैक्ट कर लेनी है सिंपली ऐसे ही। एंड ओके कर देते हैं गाइस, तो हमारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और फोल्डर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाना है, एंड इसके बाद में आपको कॉन्फिग वाले में आ जाना, और सबसे नीचे आपको मिलेगा स्टॉप ट्रैफिक। सो गाइस, हमारे पास में ये जो फाइल बची हुई इसी का हमारा वर्क है। तो इसको कैसे रिप्लेस करना है अपने गेम के कॉन्फिग फाइल के साथ में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो OpenIV को ओपन करना है, वापस से आपको एडिट मोड को ऑन कर लेना है ओपन होने के बाद में। एंड उसके बाद में सेम वहीं पे आपको जाना है मोड्स के फोल्डर में, एंड अपडेट, उसके बाद में update.rpf, कॉमन, डेटा, एंड नीचे आपको दिख जाएगा gameconfig.xml। सो गाइस, इसको हम कर लेंगे रिप्लेस क्योंकि हमने अपने गेम को किया था अपडेट। एंड अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा गेम होगा क्रैश, तो इसलिए हम इसको कर लेंगे रिप्लेस। ठीक है गाइस, समझ रहे हो ना गाइस, राइम भी कर दे अब तुम्हारे भाई ने यार। अब हमारा यह काम हो चुका है क्लियर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एक बार कर देते हैं विंडो को रिफ्रेश एंड गेम को करते हैं ऑन। और हाँ 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 गाइस, अगर गेम ऑन हो जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो गाइस, बस वीडियो को देख के सॉल्यूशन मिल जाता है, भाड़ में जाओ भाई सब कुछ, बस हमारा काम बन गया। नहीं नहीं भाई यार, थोड़ी बात तो हेल्प करनी पड़ेगी आपको। एंड यहाँ पे आप अगर गेम के अंदर आने के बाद एंट्री स्टोरी मोड पे क्लिक करने के बाद आपका गेम क्रैश हो रहा है ना, तो गाइस वो इसीलिए होगा क्योंकि आपने गेम कॉन्फिग फाइल को चेंज नहीं किया। तो कर लेना गाइस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा गेम ओपन होता है और हमारी मोडिंग काम करती है या फिर नहीं। तो ऑलराइट, हमारा गेम तो ऑन हो चुका है, लेट्स चेक कि हमारी मोडिंग जो है वो काम कर रही है या फिर नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में कार है एडऑन्स की, सो मैं F5 प्रेस करूँगा एडऑन स्पॉनर को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी कार्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, एंड मैंने आपको बताया भी था गाइस बैकअप बना लेना, एंड वो बैकअप मैंने डाल लिया है। तो बैकअप डालना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेरी कार कहाँ गई भाई, ये वाली कार चलाएंगे हम BMW। हाँ गाइस, तो हमारी स्पॉन हो चुकी है कार, यानी मोडिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो गाइस, आपकी भी
बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप एज इट इज जैसे मैंने बताया वैसे करोगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, विद अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना।